कभी कभी क्लासिकल रेसिपीज जो है वो बनती हैं बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन रूप में, और हम लोग जो वेजिटेरियन खाने के शौकीन होते हैं वो सोचते हैं कि इन रेसिपीज में काश एक वेजिटेरियन एंगल होता। सोचिए मत, क्योंकि आ गया हूँ मैं शेफ गौतम महर्षि आप तक पहुँचाने के लिए नॉन वेजिटेरियन क्लासिकल डिशेस के कुछ ऐसे वेजिटेरियन अवतार कि आपको तो पसंद आएंगे, एंड आई एम श्योर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स इनको भी खिलाकर रोज इनसे इम्प्रेस करेंगे। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है 100% वेज। देखते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी। अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कैटल जो लोग उगाते हैं, जो उनके पास जनरली शेपर्ड्स जो होते हैं गोट या फिर शीप होती है, तो गोट और शीप का जो मीट होता है उसके साथ वो बनाते हैं एक पाए जिसको आलू से टॉप किया जाता है, लेकिन नॉन वेज होता है। इसका एक वेजिटेरियन रूप आपको दिखाता हूँ, वेजिटेरियन शेपर्ड्स पाए। स्टार्ट करेंगे हम कुछ आलू से जिसको मैंने पील करके रखा हुआ है। इसको काटना है सेंटर से, पहले इस तरह, पहले क्वार्टर्स में, जो क्वार्टर है उसको इस तरह का हमको शेप देना है। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे कुछ मूली। मूली को बस इस तरह से अगेन लंबे लंबे क्वार्टर्स में काटेंगे। काटने के बाद इसको यहीं पर एंगल में हाफ कर सकते हैं। ओके, गाजर जो है सीधा सीधा साइड से ट्रिम एंड ठीक उसी तरह से कट। ये हो गई कट। इसके बाद एक पैन में हम थोड़ा सा पानी उबालेंगे। पानी के अंदर हम दाल के इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ताकि वेजिटेबल्स जब ब्लांच हो उनके अंदर अच्छा से ग्लेज आए, और थोड़ा सा सॉल्ट जस्ट फॉर द टेस्ट। कुछ अनियन हम इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 मध्यम आकार के प्याज हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अनियन रेडी, अब आइए एक पैन और गरम करते हैं। इसके अंदर ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल के साथ चाहें तो थोड़ा सा बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर कॉर्न। जब तक पेपर कॉर्न का अच्छा सा फ्लेवर आता है, थोड़ी सी सेलरी भी चॉप करते हैं। तो अब हम डालेंगे अनियन और साथ में ही हमारी सेलरी भी। जैसी अनियन हल्का सा सॉटे होता हुआ दिखेगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियां। इसमें हम डालेंगे रेड वाइन। स्टीम ऊपर आ रही है, हल्का हल्का भाप आना भी चालू हो गए। हम हमारी वेजिटेबल्स इसके अंदर सीधा एक साथ सभी ब्लांच करके, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मिक्स्ड हर्ब्स जिसमें ओरिगानो, थाइम, इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अनियन का पाउडर। हर्ब्स पाउडर, अनियन, गार्लिक, सेलरी सब अच्छे से वाइन में रिड्यूस हो रहा है। आगे जो है हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्रिपरेशन करेंगे, वो होगा आटे का प्रिपरेशन इसको थिक करने के लिए, जिसमें हम लेंगे थोड़ा सा फ्लार या होल व्हीट आटा, जो भी आपको पसंद हो, करीब 2 से 3 चम्मच। इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा दूध, दूध नहीं तो पानी, या फिर आप इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अनियन पाउडर की जैसी आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर हमारी वाइन जो है पूरी तरह से रिड्यूस हो गई है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लेवर्स आ रहे हैं। गैस बंद करते हैं और इनको करते हैं स्ट्रेन। वाह, क्या बात है। लेकिन हमारी वेजिटेबल जैसी स्ट्रेन हो जाएंगी, ये जाएंगी सीधा इस पैन में जहाँ पर अनियन, सेलरी वगैरह जो है पका रहे हैं वाइन के अंदर। जैसे ये टॉस हो जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी, देखिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक। अब इन वेजिटेबल्स को हम इसमें सिमर होने देंगे और पकने देंगे। ओके, इस पैन के अंदर हम लेंगे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और उसके साथ ही थोड़ा सा बटर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट।
गार्लिक पेस्ट को हल्का सा पकाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मैश करके रखा हुआ उबला हुआ आलू। और देखें इसके अंदर से एक अच्छा सा मीठा मीठा सा फ्लेवर होता है आलू का, अब वो आना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज पर इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क के साथ साथ थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, अब मिल्क के साथ इसे मिला लेते हैं। पोटैटो रेडी, हमारा स्ट्यू जो है अब आइए, यानी कि जो शेपर्ड पाई का बेस है विथ वेजिटेबल स्टॉक्स, इसको हम यहाँ पर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा मिल्क, इससे इसका कलर पहले एनहांस होगा। और जैसे ही आप देखें कि मिल्क जो है इसके अंदर मिलके हल्की सी स्टीम आनी शुरू हो जाएगी, हल्का सा ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा, इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे जो हमने एक पेस्ट बनाया था विथ फ्लावर एंड मिल्क। आइए करते हैं इसकी प्लेट प्रेजेंटेशन, जिसके लिए मैंने जो हमारा आलू था जो हमने कुक किया था ऑयल के साथ और बटर के साथ, इसको निकाल लिया यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने के लिए। जो हमारा स्ट्यू है, जो बेस है हमारे शेपर्ड्स पाई का, उसको डालेंगे पहले प्लेट में नीचे। ये हमने डाला सॉस को इसके ऊपर, अब आलू को इसके ऊपर पूरी तरह से ढक देना है पाइप करते हुए इस तरह से। थोड़ा सा रॉक या सी सॉल्ट ऊपर इस तरह से, थोड़ा सा अनियन पाउडर या इस तरह ऑयल इसके ऊपर ड्रिप करें। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एक ग्लो टॉर्च। इसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे कुछ फ्रेश बेजल लीव से। तो लीजिए तैयार है हमारा वेजिटेरियन शेपर्ड्स पाई। टेक अ लुक एट द क्लासिकल रीकैप। वेजिटेबल शेपर्ड्स पाई बनाने के लिए एक पैन में एक कप पानी लें, एक चम्मच ऑलिव ऑयल और नमक डालें और उबाल लें। अब इसमें दो मोटे कटे हुए आलू, दो मोटी कटी हुई गाजर, एक मोटी कटी हुई मूली डालें और ब्लांच कर लें। मैदे की पेस्ट बनाने के लिए एक छोटे बोल में 3 चम्मच मैदा और आधा कप दूध डालें और मिला लें। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 4 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच मक्खन गरम कर लें। अब इसमें 10 से 12 काली मिर्च, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 बारीक कटी हुई सेलरी, नमक, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 कप रेड वाइन डालें और मिला के पका लें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 छोटे चम्मच प्याज का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, ब्लांच की हुई सब्जियां, 1 कप वेजिटेबल स्टॉक, 1/4 कप दूध डालें और उबालें। फिर तैयार की हुई मैदे की पेस्ट डालें और गाढ़ा होने तक पका लें। मैश पोटैटोस बनाने के लिए एक दूसरे पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच मक्खन गरम कर लें। फिर इसमें 2 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 कप मैश किए हुए आलू, 1/4 कप दूध, 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डालें और अच्छी तरह मिला लें। एक प्लेटर में ग्रेवी डालें और ऊपर से तैयार किए हुए मैश पोटैटोस को एक पाइपिंग बैग में डालें और पाइप करें। रॉक सॉल्ट और प्याज के पाउडर से गार्निश करें। ब्रश से तेल लगाएं और ब्लो टॉर्च से ऊपर की सेब को भून लें। बेसिल लीव से गार्निश करें। आपका वेजिटेरियन शेपर्ड्स पाई तैयार है।